वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और हमारा आज टॉपिक इंटरेस्टिंग भी इस तरह से, और बहुत सारे लोग उसको रिलेट भी कर सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द बात करते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, और इंट्रो भी मैंने आपको बताया था कि हम बहुत नेगेटिव चीज़ें जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, जबकि पॉजिटिविटी जो है वो हम नहीं ढूंढते। हमारे ज़िंदगियों में हमारी इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, हम क्यों इनकी तरफ इतने ज़्यादा रागब हो चुके हैं कि हमारा हर चीज़ में से हम कोई ना कोई परेशानी ढूंढते हैं, पॉजिटिव चीज़ नहीं ढूंढते। आज इस पर डिस्कशन के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होंगी और मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, जिनका असर एक घंटे तक मुझे तो रहता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को रहता है, बाद में फिर आवेश हो जाते हैं। तो हमारे साथ जहाज़ेब अहमद खान मौजूद होंगे और आलिया सलीम मौजूद होंगी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जहाज़ेब, सबसे पहले तो परेशानियाँ क्यों हैं इतनी ज़्यादा? सबसे पहले आपने जो इंट्रो दिया मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल, और एक घंटे का असर रहता है, मैं इस बात के ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल के एक घंटे का असर क्यों रहता है, और इसीलिए मैं मोटिवेशनल ट्रेनर कहलाता हूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके आऊँ, क्योंकि फर्क क्या होता है एक स्पीकर और ट्रेनर में, कि स्पीकर कम्स टॉक्स एंड लीव्स, अ ट्रेनर कम्स ट्राइज टू इंस्टॉल समथिंग एंड देन लीव्स। तो जब आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं किसी के अंदर कुछ, तो वो उसका असर थोड़ा देर पा होता है। तो कोशिश यही है कि जी, एंड आई टॉक अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, कि लोगों को इक्विप किया जाए इस चीज के ऊपर कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, उसका असर लंबा रहता है। ठीक हो गया। जहां से परेशानियों की मैं बात करी थी कि परेशानियां क्यों है इतनी ज्यादा, हम जल्दी क्यों इतने डिप्रेस भी हो जाते हैं, स्ट्रेस आउट भी हो जाते हैं? देखिये, परेशानी अगर आप ये कहें कि खुशी और परेशानी में मतलब कोई एक चीज रहे हमारी जिंदगी तो में, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई एक चीज रहेगी तो जिंदगी का रंग मुकम्मल नहीं होंगे, और उसको हमें बेसिकली एंजॉय नहीं कर सकते ना उस फेस को। जैसे अगर आपको जीत को पूरी तरह से एंजॉय करना है तो हार आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जीत का मजा आएगा। इसी तरह से अगर आपको खुश होना है तो गमी का पता होगा तो आप खुश होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज ये है कि हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। एक अंग्रेजी के दो लफ्ज हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज का मतलब पॉजिटिव, कॉन्स का मतलब नेगेटिव। लेकिन हम सोचते और देखते महसूस करते कॉन्स को हैं जो कि नेगेटिव है, क्योंकि हम स्केप्टिकल होते हैं। कई लोग स्केप्टिकल होते हैं चीजों के मामले में, और उस असना में वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, और आप ये नहीं देखते कि किसी भी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या कुछ हो सकते हैं। हम ज्यादातर नेगेटिविटी के ऊपर चले जाते हैं। जैसे माँ बाप जब बच्चों से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा बताते हैं कि यार तुम ये मतलब तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने हार्डली माँ बाप को ये कहते सुना होगा कि अब आप जाओगे तो उसमें लर्निंग एस्पेक्ट्स ये होंगे। एग्जैक्टली, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, ठीक है, ये होगा। आप यू आर लर्निंग बेसिकली ना, एंड ट्रैवलिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। तो वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका, उसके ऊपर बात कम हो रही होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम जब बात करते हैं तो वो यही है कि जिस तरह से आप किसी भी सिचुएशन में एंटर होंगे, आपको वो सिचुएशन, उसके इम्कानात यही है कि वो रिस्पॉन्ड उसी तरह से करेगी। अब जब आप कॉन्स लेके एंटर होंगे, नेगेटिविटी लेके एंटर होंगे, तो खुशी का एलिमेंट तो कम हो जाएगा ना। और कोई भी किसी ऐसे शख्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता जो हम आम फहम जब बात करते हैं तो सड़ियल है या हर वक्त गुस्से में रहता है, उदास रहता है। एग्जैक्टली, आप कभी भी नहीं चाहते ऐसे किसी बंदे के साथ रहना कि यार जो कि हर वक्त डाउन हो, लो हो, क्योंकि इस किस्म के लोग आपकी एनर्जी भी पुल करते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, और आप खुद भी डाउन हो जाते हैं। अगर आप 10 से 15 मिनट उनके साथ गुजारते, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको मतलब उसके अंदर मैं एक चीज कहता हूँ कि ट्राई टू मेक एवरी पर्सन कम्फर्टेबल अराउंड यू, एंड व्हेन आई से दैट ट्राई टू मेक एवरी पर्सन कम्फर्टेबल अराउंड यू, इसका मतलब ये है कि वो एडेड एफर्ट आपने करनी है, क्योंकि वो किसी और ने नहीं करनी। अक्सर लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे कोई समझता नहीं है। तो यार आपने कितनी कोशिश की किसी को समझाने की। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे उगलवाए। एग्जैक्टली, आप जब तक खुद से अपना कैथारसिस नहीं करेंगे, तो आपको बेसिकली लोगों को कंफर्टेबल करना है। और जब आपने लोगों को कंफर्टेबल करना है, ये आजकल इट्स अ रेयर क्वालिटी बाय द वे, आप हार्डली लोगों से कंफर्टेबल होते हैं, और जब आप किसी से कंफर्टेबल होते हैं देन यू टेंड टू ओपन अप एज वेल। और वो बेसिक एलिमेंट ऑफ, मुझे लगता है आज के दौर में एक चाहे छोटे लेवल की खुशी हो, बट खुशी जरूर जबरदस्त। आलिया,
साइकोलॉजिकली हमारे पास बड़े एस्पेक्ट्स आते हैं इसमें कि हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के से हैं, हमारे लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया, वक्त की बात करते हैं तेज़ी से बदल रहे हैं, छोटे छोटे हमें कहते हैं स्कूल गोइंग बच्चों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस तरह की चीज़ें, तो वो साइकोलॉजिकली हम हर चीज़ को अपनी जाने वो के लिए एक मैगनेट की तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। बिल्कुल, दरअसल आजकल के ये जो हमारा जिस तरह बच्चों की ग्रोथ हो रही है साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ज़्यादातर बच्चे गैजेट्स की तरफ मुतवज्जो हैं, और अगर आप इनके साथ इस तरीके से जैसे एक आप देखें पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो बच्चे अपने जो पेरेंट्स थे उन हम हमारी ही एज ले लें, हम लोगों ने गैजेट से नहीं खेला, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अगर देखा तो हम नॉर्मल जैसे बाहर जाना खेलना फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से बच्चे हाइपर बहुत हैं, जब आप उनकी फिज़िकल एक्टिविटी उस तरीके से नहीं हम लोग उनको उसको यूज़ करेंगे, वो बाहर जाएँ दरख्तों पर चढ़ें मिट्टी से खेलें जैसे बच्चे दौड़ते हैं भागते हैं, अगर उस तरह नहीं करेंगे तो जब उनकी वो एनर्जी नहीं कहीं वेस्ट होगी तो वो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हर जगह देखने में आई, खाना खाते हुए, काम करते हुए, खेलते हुए, कहीं पे भी वो आराम से नहीं बैठेंगे। और ये हर एक बच्चों से लेके अब बड़ों में भी ये चीज़ आती जा रही है, एनजाइटी, डिप्रेशन, हर तरह की इस तरह की कोई चीज़ हमारे मतलब के मुताबिक नहीं हो रही होती तो हम उसको फौरन अपना वो जो है बिहेवियर शो कर देते हैं कि ये जो नहीं हो रही वो हम ये कह लें कि जो एक जब्त की कैफियत थी वो खत्म हो गई है, वो बिल्कुल भी लोग नहीं करते। जहाँ कहीं आप कहीं बाहर सड़क पर जा रहे हैं कोई ड्राइवर को ही देख लें, गाड़ी वाले को देख लें, अगर कहीं वो बिल्कुल वेट नहीं करते, हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, ये भी एक ये कह लें कि वो उनके अंदर सब्र ही नहीं रहा, जानके हमारे बर्दाश्त जो है ना एक खत्म हो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है, उसकी वजह से भी परेशानियां हम बहुत ज्यादा फेस। और फिर इसके अलावा ये कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, दूसरों से बहुत बढ़ गई हैं, और इस तरह ये कि हम ये जा रहे होते हैं कि हम कहीं जाएं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा काम हो जाए और एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो फिर हम डिसहार्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि एक्सपेक्ट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं आप करते हैं एक्सपेक्ट, लोगों से कर जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, नेचुरल है, बट ट्राई टू मिनिमाइज योर एक्सपेक्टेशंस। जितनी आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखेंगे ना उतनी आप अपने आप को सुकून में रखेंगे। देखें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में, और वो आपकी ज़ात है, उसके अलावा कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड व्हेन यू कंट्रोल योर सेल्फ यू टेंड टू कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग अराउंड यू। होता क्या है कि हम क्यों लोगों को पावर दे दें कि यार किसी के कुछ करने से मुझे बुरा लगे, क्यों ना मैं उसका कंट्रोल अपने पास रखूं। हमने बेसिकली कंट्रोल्स लोगों को दे दिए और वहां पे हमारी खुशी और गमी और हमारी हर चीज उनके कंट्रोल में, अगर वो हमारे साथ प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं तो हम खुश हैं, नहीं है तो बस फिर हमें देखें हम क्यों इस बात के ऊपर रहते हैं कि यार किसी की जजमेंट हमारे बारे में क्या है और हमें उससे फर्क पड़ना चाहिए, क्यों हम अपना दिमाग उसके ऊपर ख़राब करते हैं कि यार कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई मेरी लुक्स के बारे में क्या कह रहा है, कोई मेरी पर्सनालिटी के बारे में क्या कह रहा है, कोई मेरी लाइफ के बारे में क्या कह रहा है। नाउ अनदर एलिमेंट इज सक्सेस। आपके लिए सक्सेस कुछ हो सकती है, मैम के लिए कुछ हो सकती है, मेरे लिए कुछ है, क्राइटेरिया डिफरेंट। एग्जैक्टली, एट द एंड ऑफ द डे हमने ये देखना है कि क्या हमें सुकून है, आर वी फीलिंग कंटेंट, इंटरनल पीस जो है ना, एग्जैक्टली इंटरनल पीस। अब अगर आप उसको ये जोड़ दें कि यार फलां के पास BMW है और मेरे पास मेहरान है या बाइक है तो ऐसा क्यों है, तो पैसा कभी आपको खुशी नहीं देता या मटेरियल एस्पेक्ट्स आपको कभी भी खुशी नहीं देते, आपको हमेशा वो चीज़ खुशी देती है जो कि देर पाओ, इंटरनल पीस आप फील कर रहे हो कि अच्छा यार मैं इस चीज से सैटिस्फाई हूँ, अगर मेरे पास ये है तो मैं इसमें खुश हूँ। एग्जैक्टली, अपने पास जो चीज है उसमें खुश रहना, जो चीज आपके पास है उस पर खुश रहें और बेहतर होने की कोशिश करें, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करें। जब आप पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं ना तो उसके अंदर आपको बेशुमार ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि आपको दूसरी चीजों से मुबर्रा कर देते हैं, आपको उस पर इतनी जरूरत ही नहीं होती कि यार कोई मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहा है, क्योंकि आप देखें ये होती है आपकी जब आप अंदर जिसको कहते हैं ना जब आप भरे हुए होते हैं और आपको खुद पता होता है कि यार मैं क्या हूँ और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो उसमें आपको लोगों की जरूरत नहीं होती, फिर आपकी अपनी जात काफी होती है। जबरदस्त, अभी आपने सेल्फ कंट्रोल की बात की ना तो सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है
کہ سیلف کنٹرول نہیں ہے. اب اگر کوئی ہمارے پاس میرے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جو یہ بات یہی آگے کرتا ہے, جی میرے پاس مجھے سیلف کنٹرول نہیں, غصہ ہے تو وہ غصہ بہت زیادہ, اگر کسی چیز کا اس نے اظہار کرنا ہے تو مار دھاڑ بہت زیادہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اگر اتنا زیادہ آپ کے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو اور کچھ نہیں تو سامنے والے کو ایک منہ پہ تھپڑ ہی مار دیا. تو سیلف کنٹرول جو ہے یہی ہمارے جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ کمی ہے. آپ کسی بھی چیز کا اظہار جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کر دیتے ہیں, چاہے وہ مار کے ذریعے کریں چاہے وہ غصے کے ذریعے کریں. کچھ لوگوں کی تو باتیں کافی ہوتی ہیں, مار کی تو ضرورت نہیں ہے, باتوں سے ایسے ایسے لگاتے ہیں آپ کو. بالکل یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ وہ ایک طنز والی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بات اس طریقے سے کرنا کہ دوسرے کو وہ اتنا برا لگے کہ وہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہمارے اندر سے جو ختم ہو گئی ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, اور ایک چیز قناعت بیلنس نہیں ہے, یعنی کہ سب سے جو بہترین. اور ہمارا مذہب تو اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ اگر آپ بیلنسڈ ہیں تو ہر چیز ٹھیک ہے. ہر چیز میں بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے پرسنل ہے پروفیشنل لائف ہے, بیلنس کی کمی ہے. ایکویلیبریم, ایکویلیبریم از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور دیکھیں یہ جب ہم بات کرتے تھے نا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ فورمز جو ڈیولپ ہوئے ہیں یہ ان چیزوں پہ ہوئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, یہ تو ایک چیز ہے اور اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے, لیکن ہونا کیا چاہیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے. ایکویلیبریم حاصل کرنا بہت آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ یار وہ تو اس قسم کا ہے میں ویسا ہو نہیں سکتا, آپ کو آئیڈینٹیکلی ویسا ہونے کو نہیں کہا جا رہا, کوشش تو کریں. ہم لوگ کوشش بھی نہیں کرتے بعض اوقات, اور ہم بس کہتے ہیں اپنے آپ ہی کوئی چیز ہو جائے, بس ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. دیکھیں جو کرتے آئے ہیں تو وہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے. اگر کچھ ڈفرینٹ چاہتے ہیں تو وہ کریں جو پہلے نہیں کیا, صحیح. اگر وہی دہرانا ہے تو وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کہاں ہم نے چینجز لے کے آنے ہیں, کیونکہ اسٹیگنیشن تو رہے گی پھر اگر آپ اگر کوئی چینج نہیں لائیں گے. اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ چینج از ون تھنگ وچ از کانسٹنٹ. اگر آپ چینج اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو آپ کی زندگی بھی اسی رفتار سے چلے گی اور وہی ریزلٹس دے گی جو پہلے آپ کو ملتے رہے. تو آپ کو اس چینج میں آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اب اس بات کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی موٹیویشنل باتیں جاری ہیں, اللہ کرے ان کا دیر پا اثر رہے ہم پر. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے جاگو لاہور.